आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, अगर आप स्पाइस मनी के रिटेलर हैं या रिटेलर बनना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह आपको अपने स्पाइस मनी आईडी से मिनी स्टेटमेंट किसी भी बैंक का आप निकाल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे किस तरह आप मिनी स्टेटमेंट निकाल पाएंगे, पूरी चीज इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे कैसे ये मिनी स्टेटमेंट का निकलता है और बहुत सारे रिटेलर को इसमें परेशानी भी हो रही है, मैं आपको इस वीडियो में पूरी चीज विस्तार से बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले स्पाइस मनी पोर्टल को लॉगिन कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने स्पाइस मनी पोर्टल को लॉगिन कर चुका हूँ। यहाँ पे आपको मिल रहा है एक ये ट्रेन का है, यहाँ पे AAPS देखते हैं, AAPS पे आप क्लिक करेंगे, नहीं तो यहाँ पे भी आपको AAPS मिल रहा है, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप AAPS पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिखने को मिल जाएगा और यहाँ पे सेलेक्ट योर सर्विस में आपको मिल जाता है मिनी स्टेटमेंट, कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट। ये सर्विस आपको मोबाइल पे भी मिल जाएगा, मोबाइल पे भी आप मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। तो यार मिनी स्टेटमेंट को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपके पास कौन सा डिवाइस है, स्मार्टफोन मंत्रा, जो भी आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस, यहाँ पे 5 बायोमेट्रिक डिवाइस दिए गए हैं, जो भी डिवाइस आपके पास वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर देंगे, कस्टमर का आधार नंबर देंगे, उसके बाद यहाँ पूछा है किस बैंक का मिनी स्टेटमेंट आप निकालना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ बैंक जो जो मेन बैंक है वो आपको यहाँ पे भी शो कर देता है, मतलब जिस बैंक से आपका ज़्यादा ट्रांजेक्शन होता है वो बैंक आपको यहाँ पे शो कर देता है। इस बैंक को आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो किसी दूसरे बैंक का निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे लिस्ट दिए गए जिसका ज़्यादा रुपया निकालते उसका नाम आपको ऊपर में शो करेगा, उसके बाद यहाँ पे दूसरे बैंक का आपको शो कर देगा, जिस बैंक का आप निकालना चाहें आप निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं आपको चलिए मिनी स्टेटमेंट निकालने के लिए यहाँ पे सर्विस से मिनी स्टेटमेंट को सिलेक्ट करेंगे, कैश विड्रॉल आपको मिलेगा, बैलेंस इंक्वायरी मिनी स्टेटमेंट भी यहाँ पे आपको मिलेगा। तो मिनी स्टेटमेंट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डिवाइस सेलेक्ट करेंगे, यहाँ मोबाइल नंबर देंगे, कस्टमर का मोबाइल नंबर देने के बाद यहाँ पे आधार नंबर देंगे, उसका जो बैंक का निकालना चाहते हैं वो बैंक को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर पूरा डिटेल फिलअप कर चुके हैं, स्कैन फिंगरप्रिंट एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद कुछ इस तरह फिंगर लगाएंगे तो यहाँ पे आपको मिनी स्टेटमेंट जनरेट कर देगा। ये मिनी स्टेटमेंट है, सबसे पहले यहाँ पे आपको अवेलेबल बैलेंस दिखेगा, आपके अकाउंट कितना बैलेंस बचा है वो आपको मिनी स्टेटमेंट में भी बता देगा। अगर आप मिनी स्टेटमेंट निकालेंगे तो एक साथ आपको मिनी स्टेटमेंट दे देगा और बकाया बैलेंस भी दे देगा, तो आपको इंक्वायरी करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको दिखा रहा है कौन सा बैंक का आपने क्या ट्रांजेक्शन आई थी और आधार कार्ड के लास्ट का 4 डिजिट यहाँ पे दिखने को मिलेगा। ये आपका मिनी स्टेटमेंट, लास्ट 9 ट्रांजेक्शन आपको मिनी स्टेटमेंट में शो करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले सीरियल नंबर है, उसके बाद डेट, किस डेट को हुआ था, यहाँ पे देखिए डे है और मंथ है, ठीक है, 18/3, उसके बाद क्या हुआ था, डेबिट हुआ था या क्रेडिट हुआ था, डेबिट हुआ था और उसका ट्रांजेक्शन नंबर दिया गया है और यहाँ पे कितना रुपये डेबिट हुआ था, कितना रुपये अकाउंट से निकला था वो यहाँ पे शो कर रहा है। उससे पहले यहाँ पे देखिए 18 तारीख को ही क्रेडिट हुआ था, इस अकाउंट में आया था 2000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे से 27/9 को 3344 रुपये इस अकाउंट से डेबिट हुआ था, उसके बाद 3/10 को फिर 1 रुपया आया, फिर 500 आया, फिर 500 निकला। तो इस तरह यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन मतलब कि मिनी स्टेटमेंट शो करेगा। अगर चाहते हैं तो इसको आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ डाउनलोड PDF पे क्लिक करके आप इसे PDF में डाउनलोड भी कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो इस तरह आप किसी भी बैंक का मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं और कुछ बैंक का यहाँ पे अभी शो नहीं कर रहा है, मतलब काम नहीं कर रहा है, तो उम्मीद है कि वो भी काम करने लगेगा नेक्स्ट मंथ से। जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक अभी काम नहीं कर रहा है और ना ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काम कर रही है, तो ये दोनों बैंक का भी आपको नेक्स्ट मंथ से काम करना स्टार्ट कर देगी। इसी तरह आप जिस भी बैंक का मिनी स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं यहाँ पे मिनी स्टेटमेंट सेलेक्ट करेंगे, डिवाइस को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर देंगे, कस्टमर मोबाइल नंबर देने के बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर देना होगा, आधार नंबर देने के बाद यहाँ पे आपको बैंक सेलेक्ट करना होगा जो भी बैंक का आप रुपया मिनी स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं। यहाँ बैंक को सेलेक्ट करेंगे, उसको स्कैन फिंगरप्रिंट एंड सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, आपकी मशीन में लाइट जलेगी, आप फिंगर लगाएंगे, यहाँ पे देखिए फिंगर लगाने के बाद कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए मिनी स्टेटमेंट शो कर दिया है और यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस भी आपको शो कर देगा और यहाँ पे भी आपको 6 ट्रांजेक्शन शो कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए कि आप कब कितने रुपए आए वो सारा चीज़ यहाँ पे शो कर देगा और कब कितने रुपए, यहाँ पे देखिए 7/5 को 17 तारीख 5वां महीने यानी 17 मई को क्रेडिट हुआ था इस अकाउंट में कितने रुपये, 138 रुपये, ठीक है। उसको 16 को भी हुआ था 450 रुपये और कब कितना हुआ था क्रेडिट वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन रिमार्क भी दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे कब आपको कितना आया कितना कटा वो सारा चीज़ आपको 9 ट्रांजेक्शन में दिया जा रहा है।
आज के इस वीडियो में मैंने आपको दो बैंक का मिनी स्टेटमेंट निकाल के दिखा दिया हूँ। तो इसी तरह आप निकाल सकते, अगर आप किसी दूसरे बैंक का निकालते हैं तो उसमें आपको इनवैलिड ट्रांजेक्शन बता रहा है, उसका मतलब ये हुआ कि उस बैंक का अभी मिनी स्टेटमेंट लाइव नहीं किया गया है। तो उस जो बैंक रह गई है उस बैंक का मिनी स्टेटमेंट नेक्स्ट मंथ यानी कि अगले मंथ, आने वाले अगले मंथ में लाइव कर दिया जाएगा। इसके बारे में मैंने बात किया तो वहाँ से पता चला जो बैंक रह गई है मिनी स्टेटमेंट उसको अगले मंथ लाइव कर दिया जाएगा। तो इस तरह आप मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं अपने स्पाइस मनी रिटेलर आईडी से। तो अगर इसका आईडी वगैरह चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया जाएगा।